1915 से 1919 तक के कांग्रेस अधिवेशन ने देश में हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज से ठीक 100 साल पहले आज ही की तरह विकट समय था। महंगाई चरम पर थी। जनता पर अनावश्यक टैक्स का बोझ लाद दिया गया था। महामारी से हजारों लोगों की जानें चली गई थी। अहंकारी ब्रिटिश हुकूमत रॉलेट कानून जैसे हथकंडों से देश की आवाज दबा रही थी। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जैसे सुधारों के नाम पर मताधिकार सीमित कर दिया गया। प्रांतों की शक्तियां कम कर दी गईं। कुल मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत का मकसद जनता का शोषण करना था। इसी बीच फरवरी 1920 में गांधी जी ने पंजाब में ब्रिटिश ज्यादतियों की निंदा करते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश हुकूमत को माफी मांगने के लिए कहा, अन्यथा असहयोग आंदोलन की चेतावनी दे डाली। 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होना तय हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। लिहाजा सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की सहमति बनी। कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, खादी का प्रयोग, चरखा कातना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, विधान परिषदों, न्यायालयों का बहिष्कार और पंचायतों के माध्यम से न्याय का निर्णय हुआ। साथ ही सरकारी उपाधियों को लौटाने, सरकारी सेवाओं को छोड़ने, सरकारी करों का भुगतान न करने, सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने, छुआछूत को दूर करने और अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। एक तरह से देखा जाए तो 1920 का यह कांग्रेस अधिवेशन असहयोग आंदोलन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। अभी इन प्रस्तावों के जमीनी असर से ब्रिटिश हुकूमत की नींद धुआं धुआं होना बाकी थी। अभी तो असहयोग आंदोलन का असली रूप सामने आना बाकी था।